कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद पूरे देश में आक्रोश है और यह आक्रोश थमा ही नहीं था कि बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। 4 साल की बच्ची के साथ तक रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये पोस्टर बॉय त्रिमोहन मिश्रा और पंकज शर्मा दोनों पोस्टर बॉय हैं और अमूमन ये जो पर्यावरण को बचाने का संदेश देते थे, लेकिन इनके हाथों में आज दूसरे तरीके का पोस्टर है जिस पर लिखा है कि किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, अखबार में पढ़कर महसूस हो रहा है कि आज भी जानवर ही है, जो दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी नहीं समझते हैं। तो ये आक्रोश की लाइन है और अब लोगों को ये आरती पॉइंट पर खड़े होकर मैसेज दे रहे हैं कि रेप की जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। त्रिमोहन जी, आपको ट्री मैन के नाम से लोग जानते हैं, आज अपने अलग तरीके का पोस्टर आपने पकड़ा हुआ है, पहले तो क्या कहना चाहेंगे स्पीकर? मैंने अलग तरीके का पोस्टर, वैसे तो मैं ट्री के ऊपर हेलमेट के ऊपर पकड़ता था, मैंने लोगों की मानसिकता को देखकर ये पोस्टर अब मुझे बदलना पड़ा है मजबूरी में। मैं लोगों को ये देख रहा हूँ कि लोग दूसरों की बहन बेटियों को बहन बेटी समझते ही नहीं है, अपनी बहन बेटियों को तो बहन बेटी समझ लेंगे, उनके लिए लड़ लेंगे, और बहुत से लोग तो मैंने देखा है कि अपनी बहन को भी बहन नहीं समझ रहे हैं। तो ये लोगों की मानसिकता चेंज कैसे होती है, ये मानसिकता को बदलना होगा हम लोगों को। और मैं इस तरीके से ये रोड पर उतर आया हूँ, ऐसे हर जनता को, हर इंसान को ऐसे उतरना चाहिए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप होता है, फिर उसकी हत्या होती है और उसके बाद ये जो आक्रोश है वो ख़त्म भी नहीं हुआ था कि लगातार अब कई शहरों से रेप की घटनाएं फिर से सामने आ रही हैं। कैसे देखते हैं, कितना आक्रोश है इस पर? आक्रोश इसमें सर देखना क्या है, आप देखो हर जगह आक्रोश फैला हुआ है। लड़कियां घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही हैं, निकलने के लिए डर रही हैं कि कहीं कोई हमें छेड़ ना दे। अभी देखो आगरा में एक लड़की का पीछा करते हैं, आपने वीडियो देखा होगा, वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। ये देखो लड़कियों की बिल्कुल सुरक्षा नहीं हो पा रही है। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि घर में मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बेटियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं जनता से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया करके इसमें मेरा साथ दें, और पुलिस से मैं भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि पुलिस भी इसमें साथ दे मेरा। कितने चौराहों पर और कितने घंटे तक आप खड़े होकर ये मैसेज दे रहे हैं? मैं वैसे तो मेरा प्रिंटिंग का काम है, मैं अपना ऑफिस का काम छोड़कर मैं 2 से 2.5 घंटे पर डे दे रहा हूँ इसमें। देखिए, कोलकाता में घटना हुई थी, उसके बाद से आगरा में भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें स्कूटी सवार एक युवती को कुछ लोग मंचले छेड़ रहे थे, उसके बाद हालांकि पुलिस ने उन पर मुकदमा लिखा। पंकज शर्मा जी, ये बताइए पहले तो सर, कितना आक्रोश है कोलकाता की घटना के बाद से, अब लगातार देश में ऐसी रेप की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, और ये मैसेज देने का फिर ये आइडिया विचार कैसे आया? इसलिए आया क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है। मेरा इसलिए आया क्योंकि मेरी भी बहन बेटियां हैं घर में, तो इसलिए कि मैं लोगों को जो घटना हो रही है तो ऐसा मेरी बहन के साथ ना हो, इसलिए विचार आया मेरे मन में। क्या मैसेज देना चाहें, क्या कहना चाहें, जनता से क्या अपील है? अपील ये है कि है ना, ये अपनी सोच बदलें और पुलिस से ये है कि हमारा साथ दें, और है ना कानून से ये है कुछ रेप करने वालों के लिए कोई ऐसा कानून बनाए, क्योंकि है ना लोग सोचने के लिए भी खतरा। शहर के अलग अलग जगहों पर चौराहों पर ऐसे आप खड़े होते हैं दिन में इतनी गर्मी धूप में? बिल्कुल, बारिश हो या गर्मी हो हम 2 घंटे निकालते हैं हर रोज इसी के लिए मैसेज देते हैं। बिल्कुल, कभी पेड़ के लिए देते हैं, कभी अच्छे विचार के लिए देते हैं। देखिए, ये दोनों दोस्त थे अमूमन, त्रिमोहन मिश्रा जो है उन्हें ट्री मैन कहते थे, लेकिन आज ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से देश में लगातार जो बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं उनके प्रति लोगों को अब सजग जागरूक होने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की अब ये लोग मांग कर रहे हैं और ये पोस्टर के जरिए से लोगों को मैसेज दे रहे हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।